तो आज हम लोग CA फाउंडेशन का चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल एंट्री करेंगे। और ये वीडियो खास करके साइंस स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जो जिन्होंने कभी अकाउंट पढ़ा नहीं है पहले स्कूल में या फिर कॉलेज में। हाँ, तो इसमें हम लोग शुरू में क्या करेंगे, आज शुरू में बेसिक कवर करेंगे अकाउंट का। और बेसिक करने के बाद जब सब स्टूडेंट एक लेवल पे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो अकाउंट में, अकाउंट मतलब बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना होगा, मतलब फाउंडेशन लेवल में आपको सिर्फ रूल्स समझने होंगे। जैसे आप लोग साइंस स्टूडेंट, जैसे फिजिक्स में आपको फॉर्मूला समझ में आ जाता था, उसके बाद पूरा प्रॉब्लम कर लेते थे आप लोग, वैसे यहाँ पे इसके थोड़े बहुत रूल्स है। तो अगर वो रूल्स आप लोग समझ गए तो आप लोग आराम से पूरा अकाउंट कर लोगे। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का क्लासिफिकेशन। अकाउंट तीन तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है अकाउंट को। एक पर्सनल अकाउंट, उसके बाद एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, हाँ आप लोग नोट बना सकते हो, ये इसका तो नोट बनाना ज़रूरी है। और हाँ, ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल सिर्फ आप लोग स्टडी मैट प्रिफर करना, किसी भी टीचर का मॉड्यूल मत वो उठा लेना पढ़ने के लिए। और अगर उठा लिया है तो फिर वही करना, क्योंकि बाद में बुक चेंज करोगे ना बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट को। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि शुरू से ही स्टडी मैट प्रीफर करो आप लोग। तो पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाता है, कोई भी पर्सन का नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो, अब जैसे मैं, आपने किसी फ्रेंड को लोन दिया, तो उस फ्रेंड का तो ऑब्वियसली कोई नाम होगा, तो हाँ तो वही नाम हो गया पर्सनल अकाउंट, या फिर आपका नाम हो गया पर्सनल अकाउंट। उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, कोई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा कोई बैंक हो गया, तो वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके बाद हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अकाउंट्स विच रिलेट्स टू एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेब्ट। एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का जितना भी प्रॉपर्टी होगा, जैसे मैं उस कंपनी में मान लो कोई मशीन हो गया, कोई फर्नीचर है या फिर एसी है, मतलब उसका जितना अपना प्रॉपर्टी है वो सब रियल अकाउंट में आएगा। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो रियल अकाउंट हो गया आपका, मतलब कंपनी का वो प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो रियल है, वो आता है रियल अकाउंट में। अब जैसे मैं, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को ऑब्वियसली हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट्स टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, लॉसेस, लॉसेस मतलब घाटा, गेन, गेन मतलब मतलब नाफा, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स। अब कोई भी चीज़ हम लोग बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा, तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं, एसेट्रा। अब देखो, लाइक एग्जांपल सैलरी, सैलरी क्या हो गया, सैलरी होता है हमारा एक्सपेंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड मतलब, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, अब हमने किसी को ब्याज पे किया, ब्याज तीरा, तो वो भी हमारा खर्चा में आ जाएगा। वही मतलब ये नॉमिनल अकाउंट में ऐसा मतलब चीज़ आता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। अब जैसे मैं, ये सैलरी हो गया, सैलरी को तो हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि अब किसी को आप सैलरी दोगे तो उसको मतलब दोगे क्या, दोगे तो पैसा ही ना, तो पैसा हम लोग देख सकते हैं ना, उसको हाथ में पैसा देंगे हम लोग,
लेकिन सैलरी को हम लोग नहीं देख सकते हैं ना। अब जैसे मैं कमीशन रिसीव्ड हो गया, और उसके बाद डिस्काउंट हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको डिस्काउंट के हिसाब से समझा देता हूँ। मान लो आपने आप एक मोबाइल खरीदने गए, उसका कॉस्ट है 50,000। तो आपको दुकानदार ने बोला कि आप किसी भी बैंक का कार्ड से हमें पे करिए, आपको 5,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका, अगर आपको डिस्काउंट मिल गया 5,000, तो आपने उसको पे कितना किया? पे तो आप उसको कैश या फिर बैंक, आप चेक से करो या फिर कैश से करो, तो पे तो आपने उसको 45,000 ही किया है ना। तो यहाँ पे ये जो कैश हो गया, ये हो गया रियल अकाउंट, क्योंकि इसको, कैश को हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई से, उसको छू भी सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्काउंट 5,000 हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डिस्काउंट भी तो दिख रहा है हमें, 5,000 मिला है। नहीं बेटा, डिस्काउंट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हमें यहाँ पे ये जो 5,000 है, ये भी कैश ही है। तो दिख तो रहा है हमें कैश ही, लेकिन इसको डिस्काउंट हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। अब सिंपल तरीके से बताऊँ तो पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का नाम या फिर कंपनी का नाम हो जाएगा। उसके बाद रियल अकाउंट में आ जाएगा आपका कोई ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और कंपनी का एसेट्स, और डेब्ट, बट नॉट डेब्ट बोला है, लाइबिलिटी नहीं। रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स ही आएगा, मतलब जो कंपनी का संपत्ति है। और ये डेब्ट लाइबिलिटी, मतलब डेब्ट का मतलब हो जाता है आपका लाइबिलिटी, जो कि हो जाता है आपका एक प्रकार का कर्जा। तो रियल अकाउंट में सिर्फ संपत्ति आएगा कंपनी का, एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा आपका वो एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस, रेवेन्यू। और इन जो नॉमिनल अकाउंट में आता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे आ गया रूल्स। ये बस ये तीन रूल्स आप पढ़ लो, उसके बाद आपका जर्नल, लेजर पूरा, और उस जर्नल, लेजर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सब्सिडरी बुक, ये चारों कवर हो जाएंगे इसी रूल्स के हिसाब से। ऊपर हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, इसमें पर्सन का नाम आता है, रियल अकाउंट, एसेट्स ऑफ कंपनी बट नॉट डेब्ट, डेब्ट का मतलब लाइबिलिटी, कर्जा, एसेट्स का मतलब संपत्ति, सिर्फ एसेट्स संपत्ति को कवर करता है रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हो गया एक्सपेंसेस, लॉस, रेवेन्यू, सेल्स, ऐसा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सिंपल रूल क्या है अकाउंट का, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत काम लगेगा आपको फ्यूचर में भी और अभी भी। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर, रिसीवर और गिवर। रिसीवर हो जाएगा आपका डेबिट, और गिवर हो जाएगा क्रेडिट। अब देखो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर ही क्यों लिखा है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, पर्सनल अकाउंट में पर्सन का नाम या फिर किसी कंपनी का नाम, ऐसे नाम आता है। तो अब कोई पर्सन है या फिर कोई कंपनी है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो आपको कुछ देगा या फिर आपसे कुछ लेगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रिसीवर और गिवर। और जो रिसीवर है, अगर मान लो मेरा एक दोस्त है एक्स, तो मैंने एक्स को 5,000 पैसा दिया, ये मैं हूँ, और ये हो गया मेरा फ्रेंड एक्स। तो मैंने अपने फ्रेंड एक्स को 5,000
दिए, उसको मैंने दिए 5,000, तो यहाँ पे ये फ्रेंड एक्स है, उसने 5,000 क्या किया, उसने रिसीव किया मेरे से, तो वो सिंपली हो जाएगा रिसीवर, और मैंने क्या किया, गिव किया, मैंने उसको दिया 5,000 फ्रेंड एक्स को, तो मैं हो जाऊंगा गिवर, तो जो फ्रेंड एक्स है रिसीवर वो डेबिट में आ जाएगा, और जो मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं गिवर हूँ तो मैं क्रेडिट में आ जाऊंगा, बस इतना ही है इसमें। उसके बाद आ जाएगा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने क्या बोला था आपको, रियल अकाउंट में आता है एसेट्स, जो कंपनी का संपत्ति है सिर्फ वो आता है रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये अकाउंट, हाँ लिख देता हूँ, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक चेयर है, चेयर को हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, और ये हमारा प्रॉपर्टी भी है, एसेट्स है, तो मैंने चेयर को सेल किया 10,000, 10,000 में मैंने इस चेयर को सेल कर दिया 10,000 में, तो ये चेयर मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, ये बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने सेल किया तो जिसको मैंने बेचा होगा वो मेरे से लेके जाएगा, तो ये क्या हो गया, व्हाट गोज आउट, ये बाहर जा रहा है, तो ये बाहर जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा चेयर, और व्हाट कम्स इन डेबिट, चेयर मेरा बाहर जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, लेकिन मेरे पास आ क्या रहा है, तो उसके बदले में मेरे पास ये 10,000 आ रहा है ना, तो ये 10,000 क्या आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जो मेरे पास आ रहा है वो क्या हुआ, व्हाट कम्स इन, तो ये हो गया व्हाट कम्स इन डेबिट, तो ये 10,000 कैश हो जाएगा डेबिट, और उसके बाद ये चेयर हो जाएगा क्रेडिट, बस इतना ही है रियल अकाउंट में। अब फाइनली जो लास्ट हमारा है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाता है आपका, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ये लिखना, नोट बना लेना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में, मतलब कंसेप्ट रहेगा ना आपके पास, तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपने वो क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं हो पहले, तो भी आप मतलब इस कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, बस सिर्फ ये तीनों रूल्स आपके दिमाग में याद रहेगा, उसके बाद आप यूज कर लोगे कि हाँ ये मतलब ये ट्रांजेक्शन में पर्सनल किसी पर्सन का नाम है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि नहीं, अगर हुआ तो रिसीवर है या गिवर है, और आपको रूल्स पता होगा, हाँ रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट, ऐसे करके सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई मतलब कंसेप्ट बस सिर्फ होना चाहिए आपके पास, और मन में डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनकम एंड गेन, ये हो गया क्रेडिट, देखो एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है जो हम लोग खर्चा करते हैं उसी को एक्सपेंसेस बोलते हैं, आप गए जैसे बाहर, आप कोचिंग से बाहर निकल के गए, एक प्लेट मोमो खा लिया, तो वो एक्सपेंसेस हो गया आपके लिए, और ये लॉस हो, आप मानो घर से पैसा लेकर आए 50 रुपया इधर कुछ खाने के लिए, और मेट्रो में आपका 50 रुपया गिर गया, तो उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, वो आपका एक्सपेंसेस नहीं हुआ, क्योंकि आपको उस 50 रुपये के बदले कुछ नहीं मिला, अगर आपने वो 50 रुपया दे के मोमो खाया होता तो आपको बदले में मोमो मिला, तो वो आपका एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन लॉस में क्या हो जाता है कि आपका जो कोई प्रॉपर्टी हो या आपका कोई एसेट्स हो, वो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, वो वैसे ही
गुम हो जाता है, तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। जैसे आपका पैसा आपके हाथ से मेट्रो में गिर गया तो वो वैसे ही चला गया, आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला बेनिफिट, तो आपका लॉस हो गया। और यहाँ पे इनकम, इनकम मतलब हो गया, मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक 10,000 का मोबाइल खरीदा और उसको आपने थोड़ी दिन बाद 12,000 में बेच दिया किसी को। मतलब मान लो उसको प्राइस का कोई पता नहीं होगा कि इस मोबाइल का प्राइस क्या है, उसको कुछ आइडिया नहीं होगा उतना टेक के बारे में। अब दिल्ली में आपने कोई मोबाइल खरीदा, आप अपने गांव गए, वहां पे अब उतना पता नहीं रहता लोगों को, वहां पे आपने बोला कि ये मैंने 15,000 में खरीदा था, 12,000 में ले ले, लेकिन खरीदा तो आपने 10,000 में था ना, तो आपको आपने 12,000 में बेच दिया, आपको 2,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है उसको गेन बोलते हैं हम लोग, इनकम एंड गेन। हाँ, इनकम भी बोल सकते हैं या फिर गेन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जितने भी हमने खर्चे किए या फिर जितना भी हमारा घाटा हुआ वो सब डेबिट हो जाएगा, और जितने भी हमने नाफा किया वो सब क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज्ड मोबाइल ऑफ रुपीज 50,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। अब देखो इस क्वेश्चन से मैं ये तीनों लिंक कर दूंगा, एक मिनट, फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये एक मिस्टर एक्स है, उससे हमने 50,000 का मोबाइल खरीदा तो उसने हमें डिस्काउंट दिया 5,000, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज्ड मोबाइल ऑफ रुपीज 50,000, मोबाइल हमने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, क्योंकि मोबाइल को हम लोग देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं और वो हमारा एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए हमने पैसा तीर दिया है, तो वो हमारा मतलब वो हमारा हो जाएगा। तो व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट रियल अकाउंट में, क्योंकि मोबाइल रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट मैंने क्या बोला था आपको, रियल अकाउंट कोई भी एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो रियल अकाउंट में हो गया मोबाइल। और उसके बाद मोबाइल रियल अकाउंट का रूल्स याद करना आप लोग, व्हाट कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो ये मोबाइल आ रहा है कि जा रहा है, ये तो आ रहा है ऑब्वियसली हमारे पास आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पे मोबाइल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट, डेबिट को DR भी लिख सकते हैं और क्रेडिट को CR भी लिख सकते हैं, तो मोबाइल अकाउंट हो गया डेबिट। उसके बाद कितने का मोबाइल है, 50,000 का। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, जो डिस्काउंट है वो हमें मिला डिस्काउंट 5,000 का। तो अब मान लो 50,000 का मोबाइल है, हमें 5,000 डिस्काउंट मिला, तो हमें पैसा कितना देना पड़ेगा, 45,000 ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि 5,000 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो जो ये डिस्काउंट हमें मिला है, इस डिस्काउंट को ना तो हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि ये जो 5,000 है ये तो कैश हो गया ना, लेकिन ये डिस्काउंट को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते, इसीलिए ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में। नॉमिनल अकाउंट मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते। तो उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो ये जो डिस्काउंट हमें मिला है ये हमारा एक्सपेंसेस है या फिर हमें इनकम हुआ है, मतलब 50,000 का मोबाइल था उसको हमने 45,000 में खरीद लिया, तो हमें फ़ायदा हुआ या फिर हमारा घाटा हुआ ये बताइए, फ़ायदा हुआ ना, तो फ़ायदा हुआ तो ये इनकम एंड गेन में आएगा, हमारा गेन हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट
क्रेडिट 5,000 से, क्योंकि 5 ही हज़ार, और उसके बाद बाकी जो 45,000 है वो तो देना पड़ेगा उसको, मिस्टर एक्स को 45,000। तो मिस्टर एक्स को अगर 45,000 मानो हमने कैश में दिया, इन कैश, तो ये कैश क्या हो गया? कैश हो गया रियल अकाउंट, क्योंकि कैश जो हमारे पास था वो तो हमारा प्रॉपर्टी था, वो तो हमारे एसेट्स था कैश जब तक हमारे पास था, और उसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो इसका मतलब वो रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंंट में आएगा तो रियल अकाउंट का क्या रूल्स क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पे देख लो आप, तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हम ये जो बाकी 45,000 है ये तो अब हम लोग देंगे ना उसको जिसे मोबाइल खरीदा है, तो हमारा कैश 45,000 तो बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे ऐसे 45,000 से। हाँ बस इतना ही है, ये रूल्स आपको याद करना पड़ेगा, इसको एक बार लिख लेना। यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा नोट, पर्सनल अकाउंट इक्वल टू नेम ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद रियल अकाउंट में ऑल द एसेट्स बट नॉट लाइबिलिटी। ब्रैकेट में लिख लो, जिससे लिखा वी कैन सी एंड टच, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस सारे खर्चे लॉसेस इनकम एंड गेन वी कैन नॉट सी एंड टच। बस इतना, ये नोट लिख लेना आप लोग, इतने में से हो जाएगा। और उसके बाद ये रूल्स कंपलसरी है, ये जो रूल्स है यहाँ पे ये रूल्स भी लिख लेना। अब मैं बताऊंगा आपको, अकाउंट में हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे रियल लाइफ में भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, या फिर आपने कहीं पे पेमेंट किया, किसी भी शॉप में जाकर कुछ खरीदा, कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब अकाउंटिंग अकाउंट के हिसाब से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो उसका दो इफेक्ट होता है, वो दो जगह पे इफेक्ट होगा, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। और इफेक्ट का मतलब से मेरा मतलब वो कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो दो जगह पे इंट्री होगा, एक डेबिट साइड में इंट्री होगा उसका और एक क्रेडिट साइड में इंट्री होगा।
और कुछ स्टूडेंट को, मतलब कुछ साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, वो लोग बोलते हैं अरे सर ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये डेबिट क्रेडिट होता कुछ नहीं है, ये सिंपली मतलब आप जब अभी बाद में आप देखोगे ऐसा फॉर्मेट हम लोग लेज़र का बनाते हैं, तो इसमें दो साइड होता है, एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया। तो जो लेफ्ट साइड होता है उसको डेबिट नाम दे दिया है और जो राइट साइड होता है उसको क्रेडिट नाम दे दिया है अकाउंटिंग के हिसाब से। और इसको क्यों नाम दिया है, क्योंकि अब देखो ट्रांजेक्शन करते वक्त, अब कहीं भी किसी भी जगह पे इंट्री करते वक्त, अब अरे ये जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट बोला गया है, गिवर को क्रेडिट, तो उसको अब अकाउंटिंग में अगर ये डेबिट और क्रेडिट नाम नहीं दिया होता तो बहुत कंफ्यूजन होता ना, कि मतलब अरे रिसीवर को कौन से कॉपी के कौन से साइड लिखूँ, गिवर को कौन से साइड लिखूँ, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए दो नाम दे दिया, डेबिट और क्रेडिट, बाकी ये डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है। और ये जैसे मैं ये दो नाम दे दिया है डेबिट क्रेडिट, तो मान लो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, तो जो रिसीवर रहेगा डेबिट, वो डेबिट साइड में उसका वो आ जाएगा इंट्री, और जो क्रेडिट रहेगा गिवर उसका क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगा। बस इतना ही है डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब ये एग्जाम्पल देख के समझेंगे हम लोग। देखो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख, कोई ऑनर है, मतलब ऑनर नहीं कोई पर्सन है, तो उसने एक नई बिजनेस स्टार्ट की। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, उसमें पैसा लगाना पड़ता है शुरू में। ये जो शुरू में पैसा लगाते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया जो स्टार्टिंग फेज ऑफ बिजनेस में, स्टार्टिंग फेज ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ मनी, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 50 लाख, तो वो 50 लाख क्या क्या बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने, एक बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए उसने 50 लाख रुपया लेकर आया। तो यहाँ पे ये 50 लाख रुपया क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैश या फिर बैंक। अब वो कैश लाया होगा तो कैश होगा और बैंक लाया होगा तो बैंक होगा, मतलब चेक के बैंक के थ्रू पे किया होगा तो बैंक का नाम आएगा, मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में, और कैश के थ्रू किया होगा तो कैश का नाम आएगा। तो यहाँ पे अब जो बड़े बड़े पेमेंट होते हैं अकाउंट में वो बैंक के थ्रू ही किया जाता है, वो ब्लैक मनी का वो फ्रॉड व्रॉड एवॉइड करने के लिए बैंक ही एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये बैंक, ये जो 50 लाख रुपया है, ये पहले ये बताओ पैसा क्या होता है, पैसा होता है रियल अकाउंट। यहाँ पे पहले ये तीनों जो आपको बताया था मैंने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, कोई भी जर्नल इंट्री स्टार्ट करने से पहले ये तीनों पर्सनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद डेबिट का रूल्स और क्रेडिट का रूल्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। और बस सिर्फ ये तीनों आप लोग याद कर लोगे ना, उसके बाद आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सब्सिडरी बुक, ये 4-5 चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा।
लेकिन आपको ये तीनों रूल्स याद करने पड़ेंगे, और ये कुछ है ही नहीं, पूरा सिंपल सा रूल्स है। और हाँ, और ये तीनों रूल्स याद करने भी होंगे, और उसके बाद ये भी समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट में मैंने जैसे बोला था पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, रियल अकाउंट में प्रॉपर्टी हो गया वो सारा हमारा, और जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन, उसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो यहाँ पे ये 50 लाख रुपये लेकर आया, तो पैसा को तो हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और ये पैसा और अकाउंट का कभी भी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ना, अपने आप को मतलब आप ये समझना कि मैं ही कंपनी हूँ, मैं ही बिजनेस हूँ, ये कंसेप्ट लेके आप लोग अकाउंट का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करना, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो या फिर जर्नल एंट्री हो, आप ये एज्यूम करना कि वो ये जो बिजनेस है, ये वो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं ही हूँ, ये एज्यूम करना आप लोग। तो यहाँ पर अब जैसे आप एज्यूम कर लोगे कि मैं ही वो बिजनेस हूँ, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख, तो आप अगर मान लो वो बिजनेस हो, तो कोई ऑनर 50 लाख रुपया लेकर स्टार्ट कर रहा है आपको, तो वो 50 लाख रुपया बिजनेस में आया कि बिजनेस से बाहर गया? ऑनर बाहर से पैसा लेकर आ रहा है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब आप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसा आया, और पैसा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे देखो रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी अंदर आया बिजनेस के वो डेबिट होगा, ये पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट DR। और उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट, मैं बता रहा हूँ आपको टू कैपिटल अकाउंट ही क्यों, हाँ ये नीचे जो क्रेडिट पोर्शन होता है ना, उसमें हम लोग ऐसे यहाँ पे जैसे DR डेबिट लिखा है, यहाँ पे वो CR क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप डायरेक्ट टू लिख दो और कैपिटल अकाउंट लिख दो, या फिर जो भी हेड आएगा ये टू का मतलब से क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये टू क्रेडिट को कवर कर देता है TO। तो ये कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई पैसा लेकर आ रहा है बाहर से, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल हो गया, ये एक टाइप का लाइबिलिटी हो गया, और ये भी रूल्स लिख लो एक, ऑल एसेट्स डेबिट, ये तीनों रूल्स के साथ ये भी लिख लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑल लाइबिलिटी क्रेडिट। अगर आप कोई बिजनेस हो तो आपके पास जितना भी एसेट्स है वो आपका डेबिट हो जाएगा, और जितना भी आपका लाइबिलिटी मतलब कर्जा हो गया वो सब क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जो ऑनर ने कैपिटल लेकर आया है बाहर से 50 लाख रुपया, तो इससे जो बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब आपको जो स्टार्ट किया है, तो आपके ऊपर तो ये एक प्रकार का लाइबिलिटी हो गया ना, कर्जा हो गया ना, आप जब बाद में आप पैसा कमाओगे, मतलब आप नहीं, आप क्या हो, आप बिजनेस हो, हाँ तो बिजनेस तो पैसा कमाता है ना, मतलब आप बाद में पैसा जब कमा रहे हो, तो उसने जितना पैसा आप में इन्वेस्ट किया है उतना तो उसको देना पड़ेगा ना बाद में, हाँ तो इसीलिए तो उतना देना पड़ेगा उसको, तो ये हमारा एक प्रकार का लाइबिलिटी हो गया, एक टाइप का लाइबिलिटी हो गया, और ऑल लाइबिलिटी मैंने क्या लिखाया था, क्रेडिट, तो इसीलिए इसको क्रेडिट, और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा अंदर आ रहा है, बैंक पैसा अंदर आ रहा है, पैसा क्या है, पैसा है हमारा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो अंदर आता है उसको डेबिट कर दो, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बस। उसके बाद आपका दूसरा हो गया, और यहाँ पर देख लो नेचर भी, बैंक अकाउंट का जो है, बैंक अकाउंट पर्सनल, कैपिटल अकाउंट पर्सनल। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी पेड, वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, देखो वेजेस वो होता है जो हम मजदूरों के देते हैं,
और सैलरी वो होता है जो हम किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति को देते हैं। अब जैसे मैं कोई फैक्ट्री है और उसमें मान लो जूते बन रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मजदूर होंगे, जूता वो मशीन वो चलाने वाला, वो जूते में गम वम लगाने वाला, तो उन सबको वेजेस देते हैं। लेकिन उसी फैक्ट्री में कोई सेल्स डिपार्टमेंट में होगा, मैनेजर होगा, कोई कंप्यूटर चला रहा होगा, कोई डाटा एंट्री कर रहा होगा, तो उनको तो हम लोग मजदूरी नहीं देंगे ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल आदमी होता है उनको हम लोग सैलरी देते हैं, और जो मजदूर हो गया जो फैक्ट्री में ही रहते हैं, जो फैक्ट्री में जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा था उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उसको हम लोग देते हैं वेजेस, मजदूरी। तो वेजेस और सैलरी में ये फ़र्क होता है, इसको आप लोग लिख लेना, बाद में ये बहुत काम आएगा आपके। तो वेजेस एंड सैलरी पेड 50,000। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी, आप लोग वेजेस एंड सैलरी ये कौन से अकाउंट में आएगा बताओ? वेजेस एंड सैलरी मतलब आप लोग वेजेस एंड सैलरी को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, उसको छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। अब कितने स्टूडेंट बोलेंगे कि सर वेजेस एंड सैलरी 50,000 दिया, तो हम लोग तो देख तो सकते हैं कि 50,000 दिया, लेकिन नहीं, देख तुम ये रहे हो कि तुमने पैसा उसको दिया, पैसे को देख रहे हो, वेजेस सैलरी को नहीं देख रहे हो। और वेजेस एंड सैलरी क्या होगा, एक्सपेंसेस भी हो गया, मतलब इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। एक बुक का तरीका हो गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोल रहा है, तो आप एज्यूम कर लोगे कि हाँ मैं बिजनेस हूँ, कोई काम कर रहा है मेरे में, मैंने उसको वेजेस दिया, सैलरी दिया, तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होता है, तो वेजेस एंड सैलरी डेबिट डेबिट। और मेरा तरीका क्या है कि अगर मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये वेजेस एंड सैलरी क्या है, किस हेड में आ रहा है, तो आप यही मतलब ये ट्रिक यूज कर लेना कि वेजेस एंड सैलरी को मैं नहीं देख सकता हूँ, और सर ने बोला है कि जिसको हम नहीं देख सकते वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और जिसको देख सकते वो रियल अकाउंट में आएगा, और बाकी पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन का नेम वेम हो ही गया। फिर ये मत ज़्यादा मतलब इतना दिमाग मत लगा लेना कि मैंने अपने फ्रेंड को पैसा दिया तो मैं अपने फ्रेंड को देख सकता हूँ तो उसको रियल अकाउंट में डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। अब फ्रेंड को आप देख सकते हो, लेकिन फ्रेंड का नाम भी तो है ना, तो जितने पर्सनल पर्सन का नाम मैंने बोला, जितने पर्सन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो सब पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद जितने नॉन लिविंग थिंग्स है और वो हमारा एसेट्स होना चाहिए, आपका फ्रेंड आपका एसेट्स थोड़ी ना है, वो तो इंडिविजुअल पर्सन है ना। अब जो आपका एसेट्स आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए वो रियल अकाउंट में आता है, और आपका वो प्रॉपर्टी जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। तो यहाँ पे जैसे वेजेस एंड सैलरी 50,000, तो वेजेस एंड सैलरी ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, एक्सपेंसेस डेबिट, तो ये वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, सिंपल। और उसके बाद क्रेडिट क्या होगा ये बताओ। अब जैसे मैं वेजेस एंड सैलरी आप दोगे तो उसको दोगे क्या, उसको पैसा दोगे ना, तो पैसा सब कौन से अकाउंट में आता है, पैसा सब आएगा आपका रियल अकाउंट में, लेकिन पैसा आप किसके थ्रू दोगे? अब जो आप ऑब्वियस बात, आप बड़े कंपनी हो तो आप कैश में तो ट्रांजेक्शन उतना कर नहीं सकते, तो आप उसको पैसा जो देंगे वो चेक के थ्रू दोगे, तो वो चेक कहाँ लेके जाएगा, बैंक में लेके जाएगा, आपके बैंक से पैसा निकालेगा, तो आपके बैंक से पैसा गया, और बैंक क्या होता है, बैंक का तो नाम होता है, मतलब हर एक बैंक का अपना अपना इंडिविजुअल पहचान होता है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप हो गए, और एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ ने एक पर्सन के रूप में दर्जा दिया है, इंडिविजुअल पर्सन के रूप में लॉ ने उसको दर्जा दिया है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम रजिस्टर करवाते हैं
वो तो यहाँ पे बैंक से आपका पैसा गया, बैंक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। तो बैंक यहाँ पे आपको पैसा दे रहा है कि मतलब आपके बैंक से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी आपने दिया उसको, चेक काट के दिया उस आदमी को, तो वो तो आपके बैंक से जाके पैसा लेके जाएगा ना, तो आपके खाते से पैसा घटा यहाँ पे, मतलब आपका जो अकाउंट होगा बैंक में उससे पैसा डिडक्ट हुआ, मतलब आपने गिव किया पैसा, तो गिवर हो गया बैंक आपका। तो यहाँ पर गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो टू बैंक अकाउंट। बस उसके बाद रेंट रिसीव्ड 2 लाख, रेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था रेंट, रेंट को हम लोग देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, और रिसीव्ड हुआ मतलब हमें मिला वो रेंट। तो कोई चीज़ हमें मिला तो वो हमारा एक्सपेंसेस होगा या फिर लॉस, एक्सपेंसेस लॉस होगा या फिर इनकम होगा हमारा। मतलब आपने, आपको मान लो 10,000 रुपया मिला, वो आपका खर्चा होगा या फिर आपका आमदनी होगा। वो तो आपको मिला है तो वो आपका आमदनी होगा, तो इनकम हुआ आपका। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, इनकम सब क्रेडिट, और रेंट आपको मिला, रेंट रिसीव्ड कितना है 2 लाख। तो आपको मिला क्या ये बताइए, आपको मिला तो होगा पैसा ही, मतलब रेंट रिसीव्ड 2 लाख, तो आपके हाथ में तो 2 लाख रुपया आए होंगे ना। तो यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में, वो डेबिट क्रेडिट छोड़ो, आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया आपके बैंक खाते से कटा होगा या फिर आपके बैंक में 2 लाख रुपया ऐड हुआ होगा। ऐड हुआ होगा ना, क्योंकि आपको मिल रहा है पैसा, तो आपके बैंक ने वो पैसा रिसीव किया आपके लिए। तो यहाँ पे बैंक हो गया रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर सब डेबिट होते हैं। और उसके बाद जो रेंट रिसीव्ड है, तो वो रेंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है हमारा। तो इनकम को यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, या फिर रेंट को हम लोग ना ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो वो नॉमिनल अकाउंट में आ गया और वो हमारा इनकम हो रहा है, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर टू रेंट, हाँ रेंट लिख दो या फिर रेंट रिसीव्ड भी लिख दो, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा वो। उसके बाद ये देखो परचेज्ड गुड्स एंड क्रेडिट 9 लाख, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने गुड्स का मतलब होता है कोई सामान, यहाँ पे हमने कोई सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, कोई सामान हमने उधार खरीदा है, मतलब उसके लिए अभी हमने पैसा दिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको डेब्टर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ। डेब्टर का मतलब होता है ऐसा कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमें कुछ लेना है, मतलब जिससे, जिसको हमने कुछ मानो गुड्स वुड्स सेल किया हो और उसे पैसा लेना बाकी हो। अब रियल लाइफ में ऐसे कैश टू कैश बेसिस तो होता नहीं है, आपको मतलब कोई सामान किसी को बेच दोगे तो वो आपको उसी वक्त तो पैसा देगा नहीं, 2-3 महीने बाद देगा। तो जिसको हमने सामान बेचा जिससे हमें पैसा लेना अभी बाकी है, वो हो जाता है डेब्टर हमारा, पर्सन विथ हुम
अब क्रेडिटर हो गया आपका पर्सन, टू होम वी शैल पे मनी। डेप्टर का मतलब वो हो गया वो व्यक्ति जिसे हमें कुछ लेना है, मतलब बाद में वो हमें पैसा देगा या फिर कुछ देगा। और क्रेडिटर का मतलब वो हो गया जिससे हमने कुछ अभी उधार खरीद लिया है और उसको बोला है कि भाई बाद में तुम्हें पैसा दे देंगे, तो वो हो गया क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर को डेप्टर एक प्रकार से आपका एसेट्स हो गया, संपत्ति हो गया, क्योंकि बाद में आपसे उससे कुछ लेना है आपको, तो बाद में जो पैसा लेना होगा तो वो तो आपका प्रॉपर्टी ही होगा ना एक टाइप का। और क्रेडिटर जिससे हमने कुछ उधार खरीदा है तो बाद में वो तो उसको पैसा देना पड़ेगा, अभी उधार खरीदा है तो पैसा अगर उसको बाद में देना है तो वो तो एक प्रकार का लोन हो गया ना, कर्जा हो गया हम पे उसका, तो ये हो जाता है लाइबिलिटी। डेप्टर एसेट्स हो जाता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि डेप्टर से हमें कुछ लेना होता है पैसा जो बाद में हमारा वो हमें देगा तो वो हमारा प्रॉपर्टी एसेट्स बन जाएगा। और क्रेडिटर मतलब बाद में हमें उसे कुछ देना होगा, तो बाद में हम उसको पैसा वगैरह कुछ देंगे तो अभी वो हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ने क्या बोला था, पर्सन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को परचेज किया है, तो यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर नाम दिया होता तो वो हम लोग डायरेक्ट नेम ही लिख देते उस गुड्स का। मान लो यहाँ पे परचेज फर्नीचर दिया होता तो हमने खरीदा क्या है फर्नीचर, तो डायरेक्ट फर्नीचर की लिख देते। लेकिन यहाँ पे जब कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग सिंपली परचेज लिख देंगे, परचेज। और हमने परचेज गुड्स, कोई सामान खरीदा है हमने और उस सामान का नाम नहीं दिया है, लेकिन जो सामान खरीदा है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो हमारा हो गया रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो परचेज गुड्स, तो वो गुड्स अंदर आ रहा है बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद टू क्रेडिटर अकाउंट अकाउंट। अब ये टू क्रेडिटर अकाउंट किए क्यों हुआ ये भी बताता हूँ आपको। अभी मैंने लिखाया था कि अगर मान लो आपने एक फ्रेंड है आपका, उससे आपने एक फोन खरीदा और उसको बोला कि भाई अगले महीने पैसा आएगा तो मैं तुझे अगले महीने दूंगा पैसा, तो अभी आपने उसको पैसा नहीं दिया है तो आपका तो लाइबिलिटी हो गया ना, लोन हो गया ना एक एक टाइप से आपके ऊपर उसका। वो फ्रेंड अब अगर कहीं भी जाएगा तो वो आप बोलेगा ना किसी और दोस्त को कि भाई मैंने उसको फ़ोन बेचा है, अभी उसने पैसा नहीं दिया है, बाद में मैं उससे पैसा लूँगा, या फिर आपसे बाद में वो पैसा लेगा, तो वो एक टाइप का लोन हो गया आपके ऊपर। तो जब वो लोन हो गया आपके ऊपर तो लोन सब क्या होता है, लाइबिलिटी। और मैंने आपको क्या लिखाया था, ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल लाइबिलिटी क्रेडिट, इसीलिए यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट। और क्रेडिटर अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस फ्रेंड का नाम नहीं दिया हुआ है। और अगर नाम नहीं दिया, अगर किसी से हमने कुछ लिया उधार में और उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिटर बुलाते हैं। और मान लो हमने किसी को कुछ बेचा या फिर किसी को कुछ दिया और उसका अगर नाम नहीं दिया होगा तो उसको हम डेप्टर बुलाएंगे। मतलब किसी से उधार लिया है तो उसको और उसका नाम भी नहीं दिया है तो उसको क्रेडिटर क्रेडिटर बुलाएंगे, और किसी को उधार दिया है और उसका नाम नहीं पता है तो उसको डेप्टर बुलाएंगे। बस सिंपली इतना ही इस ट्रांजेक्शन। उसके बाद सोल्ड गुड्स
8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, पेमेंट इन चेक, ये इस पे ध्यान देना। यहाँ पे गुड्स हमने बेचा है, तो वो जो गुड्स है हमने अगर किसी को बेचा ये गुड्स, तो ये गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है कि बिजनेस के अंदर आ रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको व्हाट गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट, तो उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है सेल्स, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल्स लिखेंगे क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर नाम दिया होता गुड्स का तो उसका नाम ही लिखते, मतलब समझ रहे हो? कोई भी गुड्स हम लोग खरीदेंगे और उसका नाम नहीं दिया होगा तो उसको परचेज लिखेंगे, और कोई भी गुड्स हम लोग बेचेंगे और उसका नाम नहीं दिया हुआ तो उसको सेल्स बोलेंगे। और उसके बाद सोल्ड गुड फॉर 8,16,000, 8,16,000 पे हमने उसको गुड्स को बेचा, और उसके बदले में रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, मतलब जिसको हमने गुड्स बेचा उसने हमें चेक दिया कि भाई ये चेक लो, इसको बैंक में ले जाकर पैसे निकाल लेना। तो उस चेक को तो बैंक में ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैंक हो गया रिसीवर, हमारे खाते में पैसा जाएगा। वो रिसीवर सब क्या होता है? डेबिट। और ये गुड्स बाहर जा रहा है बिजनेस से और हमें इनकम हो रहा है, तो इनकम सब हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स पढ़े थे ना, कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। बस सिंपल सा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये बहुत बहुत सिंपल सा है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऐसा एक लेजर बन जाएगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है पहले ये हम लोग देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल्स क्या बोलता है? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल्स बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नहीं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। इसका मतलब क्या होता है कि जितना आपका संपत्ति है, जितना आपका प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसके बराबर ही आपका जो इक्विटी हो गया, मतलब जितना कंपनी का वो शेयर हो गया वो, और जितना लायबिलिटी, जितना कंपनी का कर्जा वगैरह हो गया वो, ये दोनों जोड़ के एसेट्स के बराबर होना चाहिए कभी भी। यही बताता है अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स, बस सिंपल यही है। और इसी में आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इलुस्ट्रेशन टू, इसमें क्या बोला हुआ है? डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंस अफेयर इज फॉलो। तो शुरू में क्या पूछा है, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। यहाँ पे अब सिंपल सा हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन यूज कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या बोलता है, रूल्स एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हो गया कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको क्या बोला था, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त इन्वेस्टर पैसा लेकर आते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बाद में उनको देना पड़ेगा, हमें कमा के बिजनेस को कमा के उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, तो कैपिटल लाइबिलिटी हो जाता है एक टाइप का। तो यहाँ पे ये कैपिटल हो गया लाइबिलिटी। उसके बाद लोन, आपने किसी से लोन लिया है, आपने किसी से कर्जा लिया है पैसा, तो बाद में उसको लौटाना पड़ेगा, और अगर उसको लौटाना पड़ेगा तो वो भी हो गया लाइबिलिटी एल। उसके बाद ट्रेड पेएबल, यहाँ पे नोट बना लो, ट्रेड पेएबल इक्वल्स टू क्रेडिटर, और ट्रेड रिसीवेबल डेप्टर। तो ये ट्रेड पेबल क्या होता है, हमारा क्रेडिटर ही होता है, क्रेडिटर का दूसरा नाम होता है ट्रेड पेबल, और ट्रेड रिसीवेबल डेप्टर का दूसरा नाम होता है, ये लिख लेना। यहाँ पे ये जो ट्रेड पेबल हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, तो ये भी लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि क्रेडिटर को हमें पैसा देना होता है बाद में। और यहाँ नाम से भी आप लोग देख रहे हो, पेएबल, पेएबल का मतलब क्या है कि बाद में हमें पे करना है उसको, तो बाद में अगर हमें पे करना है तो वो हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स बोला, एसेट्स बोल दिया है यहाँ पे डायरेक्ट, तो एसेट्स है तो एसेट्स सब एसेट्स में ही आ जाएंगे एसेट्स। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमारा एसेट्स में आएगा। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि वो हमारा स्टॉक, जैसे मैं मान लो एक कोई जूते का कंपनी है, तो उसने 5,000 जूते बनाए, तो उसके पास अभी 5,000 जूते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका प्रॉपर्टी हो गया, तो उसी को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा इन्वेंट्री हो गया, वो हमारा वो जो जितना स्टॉक हमने बनाया है वो हमारा इन्वेंट्री है, एक टाइप का एसेट्स है, इन्वेंट्री भी एसेट्स हो जाता है। ट्रेड रिसीवेबल मैंने बताया था आपको, नाम से ही मतलब, या तो नाम से ही आप देख सकते हो, रिसीवेबल मतलब कुछ हमें रिसीव करना है, तो अगर हमें रिसीव करना है तो वो हमारा एसेट्स हो जाएगा, और नहीं तो मैंने आपको नोट लिखा दिया, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेप्टर होता है, और डेप्टर सब डेबिट होते हैं, क्योंकि डेप्टर से हमें पैसा लेना रहता है। उसके बाद कैश इन बैंक, आपका आपके पास जितना भी कैश है या फिर आपके पास बैंक में जितना भी पैसा है वो सब तो आपका एसेट्स हो गया ना, तो वो भी एसेट्स होगा। यहाँ पे आप लोग क्या करो, कैलकुलेट कर लो, काम करो। यहाँ पे नीचे देखो,
ये जो कैपिटल हो गया, लोन प्लस 17,200, ये 51,000, 11,000 और 5,700, इन तीनों को ऐड कर लो तो कितना होगा, 51, 10, 61, 62, 65, 67, 68,200 हो जाएगा। ये आपका लाइबिलिटी प्लस इक्विटी हो जाएगा 68,200। और उसके बाद ये चारों एसेट्स को जोड़ दो, ये चारों एसेट्स को जोड़ने के बाद इतना ही आएगा 68,200। क्या हो गया, अच्छा 68,200 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इक्विटी निकालेंगे, यहाँ पे क्या बोले, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट निकालना है हमें। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या गया, E1 को इक्विटी मान लिया है, L1 का मतलब हो गया लोन और A1 का मतलब एसेट्स। तो ये लोन जो है, लोन हमारा कितना है, यहाँ पे देखो ऊपर 11,500, 5,800, 11,500, 5,800, ये हो गया 17,300 लोन। यहाँ पे देखो ना, जैसे ये लोन हो गया लोन, और ट्रेड पेएबल भी लोन ही होता है, क्योंकि ट्रेड पेएबल क्या होगा, हमें उसे बाद में पैसा देना होगा, तो अगर बाद में पैसा देना होगा तो वो तो लोन ही हो गया ना एक टाइप का। और देखो कैपिटल तो दिया हुआ है नहीं यहाँ पे, और उसके बाद बच गया एसेट्स, तो एसेट्स कितना हो जाएगा, एसेट्स में ये फिक्स एसेट्स आ जाएगा, ये इन्वेंट्री आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये चारों आ जाएगा। ये चारों को मल्टीप्लाई कर कितना आया, 68,720, 68,720। तो अब देखो हमारा इक्वेशन क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ना ये इक्वेशन, एसेट्स मॉडर्न अप्रोच का इक्वेशन यही है, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, लाइबिलिटी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो एसेट्स हमारा आ गया 68,720, उसके बाद लाइबिलिटी है 17,300, तो उसके बाद इक्विटी हो जाएगा प्लस इक्विटी, देयरफॉर इक्विटी इक्वल्स टू, इक्विटी इधर आ गया, सॉरी इसको इधर भेज देंगे हम लोग, तो 68,720 माइनस 17,300, ये आ गया इक्विटी हमारा, बस हो गया सिंपल। और उसके बाद बोला है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्विटी आया है ना यहाँ पे, 68,720 माइनस 17,300 कितना आया है, 51,420। ये जो इक्विटी आया है अभी, तो इस साल इक्विटी हमारा कितना है, 51,420, इतना हमारा इक्विटी आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कैपिटल कितना, ओनर ने कितना कैपिटल लगाया था, 51,000, और यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे कैपिटल तो हम लोगों ने वो किया नहीं है, लोन में ऐड नहीं किया है, यहाँ पे देखो ना लोन में तो सिर्फ वो ये दोनों ही 11,500 और 5,800 भी सिर्फ ऐड किया है ना हमने, तो अब तो इतना हमारा इक्विटी आ रहा है, मतलब इतना हमारा इक्विटी आ रहा है ये टोटल यहाँ पे, तो उसके बाद ये भी तो उसको देना पड़ेगा ना 51,000, जो यहाँ पे हमने नहीं लिया, तो ये 51,000 उसको देने के बाद कितना बच गया हमारे पास, 420, तो ये 420 हो गया प्रॉफिट, ये 420 हो गया हमारा प्रॉफिट, देख लो प्रॉफिट, बस सिंपल।
अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स में कुछ नहीं है, बस एसेट्स इक्वल्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, और उसके बाद आपको ये पहचानना है कि एसेट्स में कौन कौन आएगा, इक्विटी क्या होगा और लाइबिलिटी में कौन कौन वो आएगा, और इतने करने के बाद आराम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे ये यहाँ पे लोन दिया हुआ है, ट्रेड फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे मान लो फर्नीचर दिया होता आपका, तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर तो हमारा एसेट्स है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एसेट साइड में टोटल जोड़ के लिख देते हैं उसी फॉर्मूले में, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फर्नीचर दिया होता 5,000, तो जो एसेट्स हमारा आया था 68,720, यहाँ पे इसमें और 500 हम लोग या 5,000 जितना फर्नीचर वाले, तो ये ऐड करके दिखाते हैं, बस सिंपल। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यही कर लेते हैं, नंबर 3 कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 3। यहाँ पे देख लो, प्रॉफिट्स कार्व्ड ड्यूरिंग द ईयर, ईयर ड्यूरिंग द ईयर हमें 5,000 प्रॉफिट हुआ है। एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर ए, एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर बी, लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर सी, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 50,000। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग ईयर। ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरू में कितना कैपिटल था, ऑनर ने शुरू में बिजनेस के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है 35,000, एक तो ये हो गया, ऊपर से इस ईयर में हमने कितना प्रॉफिट किया 5,000, तो ये माइनस होगा इससे। और ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो क्लोजिंग कैपिटल होते हैं ना, उनमें इस ईयर में जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, मतलब ईयर के एंड में जो क्लोजिंग कैपिटल दिखाया जाता है, तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट मतलब हमने ऑन किया होता है वो ऐड हो जाता है, और वो ऐड होने के बाद क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल में ऐड होने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आता है हमारा। मतलब एक तो हमारा ओपनिंग कैपिटल मतलब मान लो 1,421, 1,421 को हमारा ओपनिंग कैपिटल जितना मान लो एक्स होगा, चलो ठीक है। उसके बाद जब हम लोग 31/3/22 को जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे ना, इस 12 महीने में हमने जितना भी प्रॉफिट बनाया है ना, तो वो प्रॉफिट को हम लोग ये जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसमें ऐड करके उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आता है। जो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक, और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस जितना भी प्रॉफिट ऐड हुआ है क्लोजिंग कैपिटल में वो घटा देंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा जो कि है 30,000। या आप बाद में फाइनल अकाउंट बनाते वक्त भी आपको ये पता चलेगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना,
उसको हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ले जाके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो हमारा ईयर का जितना भी प्रॉफिट हमने ईयर में कमाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करेंट ईयर, वो हम लोग जो कैपिटल रह ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आता है ईयर एंड में। यहाँ पे हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद वी ऑल्सो नो एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का बस एक ही फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे देयर फोर ओपनिंग एसेट्स इक्वल्स, अब ओपनिंग एसेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या किया गया 12,000 प्लस 30,000। तो 12,000 प्लस 30,000 क्यों किया है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 12,000 जो है एसेट्स एट लाइबिलिटी एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। बिगनिंग ऑफ ईयर में कितना अकाउंटिंग डिसीजन क्या था हमारा, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्विटी या फिर कैपिटल कुछ भी कहें। तो एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी बिगनिंग ऑफ ईयर में कितना लाइबिलिटी था 12,000। उसके बाद बिगनिंग ऑफ ईयर में कैपिटल कितना था, ये देखो हमने निकाला है बिगनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल कितना 30,000। तो ये दोनों बिगनिंग ऑफ ईयर है, बिगनिंग ऑफ ईयर में लाइबिलिटी इतना हुआ और बिगनिंग ऑफ ईयर में कैपिटल इतना हुआ। तो बिगनिंग ऑफ ईयर में, बिगनिंग ऑफ ईयर में एसेट्स कितना हो जाएगा 47,000। आ गया 47,000। तो एसेट्स तो बिगनिंग ऑफ ईयर हमारा आ गया 47,000। चलो एक हमारा आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना है एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में लाइबिलिटी कितना था हमारा। तो टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल 50,000। अब ये 50,000 कैसे आया, मैं ये आपको यहाँ पे हमारा दिया हुआ है और किस पे दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टोटल लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया 50,000, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया 50,000। और उसके बाद लेस क्लोजिंग कैपिटल 35,000। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको घटा दिया हमने 35,000, क्योंकि हमें लाइबिलिटी सिर्फ लाइबिलिटी निकालना है और यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल बोला हुआ है। तो कैपिटल को तो एक्सक्लूड करना होगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन है। तो हमें लाइबिलिटी एट, यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर नहीं बोला है। अगर इंक्लूडिंग कैपिटल बोला होता तो ये 35,000 हम लोग नहीं घटाते, लेकिन यहाँ पे तो एक्सक्लूडिंग कैपिटल बोला है। तो ये जो 50,000 है इसमें तो कैपिटल इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर आ गया हमारा हमारा 15,000। उसके बाद एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर, ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद लाइबिलिटी आ गया एट द एंड ऑफ ईयर कितना 15,000, और बाकी ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल तो हमारा दिया हुआ है ये 35,000। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले से, 50,000 आ गया हमारा। बस सिंपल एक ही फॉर्मूला से देखो, जैसे एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही एक फॉर्मूला से सारा आपका खत्म।
अब हम लोग यहाँ पर जर्नल इंट्री करेंगे, इलुस्ट्रेशन 5। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया आपका जर्नल का फॉर्मेट, डेट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऐसा होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद LF, ये जरूर नहीं, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डेबिट, आप लोग पूरा डेबिट ही लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे। उसके बाद क्रेडिट, यहाँ पे December 1, 2020, तो 1/12/20, अजीत स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 4 लाख। मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस, एक अजीत नाम का बंदा है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और कैपिटल कितना उसने इन्वेस्ट कितना किया बिजनेस में, 4 लाख। इसमें क्या हो गया आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, चार लाख उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, डेबिट, और पैसा किसके थ्रू आ रहा है, बैंक के, तो हमारा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसने पैसा रिसीव किया, वो तो रिसीवर हुआ, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है यहाँ पे, रिसीवर डेबिट। और उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है बैंक में, तो उतना पैसा तो अजीत, वो तो बाद में जब बिजनेस पैसा कमाएगी तो उसने जितना इनिशियली इन्वेस्ट किया 4 लाख, वो तो अपना पैसा लेगा ना बिजनेस से, थोड़ी ना छोड़ेगा बिजनेस में, तो इसीलिए ये जो 4 लाख है वो हो गया हमारा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी टू कैपिटल क्रेडिट 4 लाख। उसके बाद December 3, 1/3/20, ही विड्रीव कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक 2000। उसने जो बैंक है, बैंक से हमने, अच्छा उसने ही विड्रीव कैश फॉर बिजनेस, तो बैंक से 3000 रुपया हमने, जो बैंक में अकाउंट है उससे 3000 रुपया हमने निकाला, किसके, किस प्रपोज के लिए, तो बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में क्या हुआ, 3000 कैश आया कि गया, आया, बिजनेस में 3000 कैश आएगा क्योंकि बैंक से हमने 3000 रुपये निकाले बिजनेस में यूज करने के लिए, तो बिजनेस में 3000 रुपया आया कैश, तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो ना कैश अकाउंट डेबिट, और कैश को तो हम लोग, इसको हटा ये देता हूँ मैं, कैश अकाउंट, कैश को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और वो हमारा एसेट से कैश प्रॉपर्टी है हमारा, तो इसीलिए वो रियल अकाउंट में आएगा, और रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम इन डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, बैंक हो गया इंडिविजुअल पर्सन, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, और यहाँ पे बैंक बिजनेस को पैसा दे रहा है कि बिजनेस से पैसा ले रहा है, अब बैंक से हमने पैसा निकाला तो बैंक ने तो हमें पैसा दिया ना यहाँ पे, तो बैंक हो गया गिवर, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट, बस ये भी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे December 5,
परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। गुड्स तो हमने खरीदा लेकिन पेमेंट किसके थ्रू किया, कैश के थ्रू किया या फिर उसको बैंक के थ्रू किया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेमेंट थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू पे किया हमने, तो इसका होगा परचेज गुड्स। तो गुड्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ है, लेकिन गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है रियल अकाउंट, क्योंकि वो हमारा एसेट्स हो गया और उसको हम लोग गुड्स को देख सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं, गुड्स को छू भी सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पे ये जो गुड्स को हमने परचेज किया है, यहाँ पे ये जो गुड्स को परचेज किया है, तो ये तो बिजनेस के अंदर आ रहा है, हम परचेज हमने परचेज किया तो वो बिजनेस में आएगा वो गुड्स, तो वो बिजनेस के अंदर कम इन हो रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, इसीलिए यहाँ पे ये डेबिट है, डेबिट। और उसके बाद टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे पेमेंट हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, नहीं, पेमेंट हम लोग बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक तो होगा एक पर्सन, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और बैंक से हम लोग पेमेंट करेंगे किसी और को, तो बैंक तो गिवर हो गया ना, बैंक तो उसको पैसा दे रहा है किसी और को, तो गिवर हो गया, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में आपने पढ़ा ही है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पे बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक पैसा किसी और को दे रहा है हमारे बिहाफ पे। December 8 ही सोल्ड गुड्स 16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक। गुड्स बेचा 16,000 का और उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो कैश नहीं मिला हमें, वो हमने पेमेंट मिला बैंक के थ्रू, हमारे बैंक के अकाउंट में उतना पैसा जमा हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है, पर्सन है, तो वो हमारे बिहाफ पे पैसा किसी और से ले रहा है कि दे रहा है। यहाँ पे हमने गुड्स बेचा तो हमारे बिहाफ पे वो पैसा ले रहा है, तो हमारा बैंक हो गया रिसीवर, क्योंकि रिसीव कर रहा है पैसा, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा डेबिट। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट देखो यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि जो हमने गुड्स बेचा, बेचा क्या हमने, गुड्स बेचा और उस गुड्स का नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बोला था, परचेज करते वक्त गुड्स का नाम नहीं दिया होगा तो परचेज लिखेंगे, और सेल्स करते वक्त गुड्स का नाम नहीं दिया होगा तो सेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, और गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन गुड्स तो रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि गुड्स को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। मान लो आपने जूता बेच दिया किसी को, तो जूते को तो देख सकते हो ना, जूते को छू भी सकते हो, या फिर मान लो आपने मोबाइल ही बेच दिया तो मोबाइल को भी तो हम लोग देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो सेल्स अगर करेंगे किसी को, बेचेंगे सामान, तो वो तो व्हाट गोज आउट हो गया, वो तो बाहर जा रहा है, तो इसीलिए जो बाहर जा रहा है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये December 8 December 10 ये देखो यहाँ पे ही परचेज्ड फर्नीचर, यही मैं बोल रहा था आपको, बाई चेक 2,500। यहाँ पे क्या था, ही परचेज्ड गुड्स, लेकिन कौन सा गुड्स भाई, गुड्स का तो नाम ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे परचेज लिख रहे थे डेबिट। लेकिन इस December 10 में तो क्लियरली बोल दिया है क्वेश्चन ने, ही परचेज्ड फर्नीचर, वो गुड्स जिसका नाम फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर हमने खरीदा। यहाँ पे अगर नाम दे दिया है तो हम लोग नाम लिखेंगे उसका, मैंने आपको यही पॉइंट उसी वक्त से बता रहा था।
एंड पेड बाय चेक, चेक के थ्रू फर्नीचर हमने खरीदा और चेक के थ्रू पैसा उसको पे किया। तो यहाँ पे देखो, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हो गया रियल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हमारा प्रॉपर्टी भी है, एसेट्स भी है। तो फर्नीचर हो गया रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो फर्नीचर अंदर आ रहा है क्योंकि हमने उसको खरीदा, तो वो हमारे बिजनेस में आ जाएगा फर्नीचर। मान लो ये ऑफिस है, यहाँ पे अब मेरे पास टेबल नहीं है, तो मैंने कोई टेबल खरीदा, वो टेबल अब मेरे ऑफिस में आ जाएगा, वो टेबल को मैं यूज करूँगा, वो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, और टेबल को मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, वो रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो इसीलिए फर्नीचर डेबिट। और पेमेंट किसके थ्रू किया है, कैश दिया है, नहीं, पेमेंट बैंक के थ्रू किया है। तो यहाँ पे जिस भी एक्स व्यक्ति से मैंने फर्नीचर खरीदा है, उसको मेरा बैंक उस व्यक्ति को पैसा देगा। तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया, गिवर। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, इसीलिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बस सिंपल। दिसंबर, ट्वेल्व, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, 2400। एक अरविंद नाम का व्यक्ति है, उसको हमने गुड्स बेचा 2400 का। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन ने कि हमने जो गुड्स बेचा 2400 का, उसके लिए हमें कैश मिला या फिर पेमेंट हमने रिसीव किया चेक के थ्रू। इस क्वेश्चन में देखो, रिसीव्ड पेमेंट, यहाँ पे हमने गुड्स बेचा 16,000 का और पेमेंट भी रिसीव कर लिया बैंक के थ्रू। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि सिर्फ गुड्स बेचा अरविंद को 2400 का, लेकिन पेमेंट अभी हमें नहीं मिला है। तो इसका मतलब हमने उधार पे गुड्स बेचा है अरविंद को, मतलब क्रेडिट पे उसको गुड्स बेचा है उधार पे। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखो, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, तो ये अरविंद हो गया। अरविंद क्या हो, किस अकाउंट में आएगा आप बताओ, अरविंद पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में, या फिर नॉमिनल अकाउंट में। अरविंद तो किसी पर्सन का नाम है, तो वो पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। तो यहाँ पे ये जो अरविंद है, ये अरविंद यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है। ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद को गुड्स बेचा, तो अरविंद वो गुड को रिसीव कर रहा है या फिर वो गुड्स गिव कर रहा है हमें। अरविंद तो गुड्स रिसीव करेगा ना, अगर मैंने, मान लो तुमने अपने दोस्त को कुछ बेचा, तो मान लो मोबाइल बेचा तुमने अपने दोस्त को, तो तुम्हारा दोस्त तो वो मोबाइल रिसीव करेगा ना, तो वो तो रिसीवर हो गया। और अरविंद आता है पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रिसीवर सब डेबिट होंगे। तो यहाँ पे अरविंद, अरविंद डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद क्रेडिट होगा, ही सोल्ड गुड्स, गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है गुड्स का नाम, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये जो गुड्स है ये बिजनेस से बाहर जा रहा है। और सेल्स, या फिर दूसरे तरीका से आप समझ सकते हो कि सेल्स किया, तो सेल्स किया तो हमारा इनकम बढ़ेगा, और इनकम अगर हुआ तो इनकम का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि सारा इनकम क्या, सारा इनकम क्रेडिट होता है, और सारा एक्सपेंसेस लॉस डेबिट होता है। दिसंबर 12, अब इसका देख लो नीचे आप, दिसंबर 12 का ये देखो, अरविंद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अरविंद पर्सनल अकाउंट है क्योंकि अरविंद ने गुड रिसीव किया, हमने उसको गुड्स बेचा, तो वो तो रिसीवर हो गया, तो उसने गुड्स रिसीव किया, तो रिसीवर डेबिट, रिसीवर डेबिट। और उसके बाद बेचा क्या, गुड्स, तो गुड्स बेचा उसको, गुड्स गोज आउट हुआ, हमारे पास से गुड्स बाहर गया, तो
बाहर गया तो क्रेडिट, क्रेडिट December 14 ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000। कोई अमृत नाम का बंदा है, उससे हमने गुड्स परचेज किया, मतलब खरीदा। यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, और परचेज किया, खरीदा, गुड्स खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गुड्स व्हाट कम्स इन हो गया, वो गुड्स रियल अकाउंट है, वो एसेट्स है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और उसके बाद टू, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि हमने पेमेंट किया है उसको, सिर्फ हमने गुड्स खरीदा है उससे, हमने उसको अभी पैसा नहीं दिया है, हमने उधार पे उससे गुड्स खरीदा है, उसको बाद में पैसा देंगे हम लोग। तो जब पैसा देंगे तो पैसे की एंट्री तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल उधार में खरीदा है उससे। तो यहाँ पे ये जो अमृत है, ये अमृत क्या है, ये पर्सन है। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अमृत हमें गुड्स दे रहा है कि हमसे गुड्स ले रहा है, हमने परचेज किया तो अमृत ने हमें गुड दिया, तो अमृत हो गया गिवर और हम हो गए रिसीवर, तो अमृत गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू अमृत। ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, सिंपल सा है। अब ये देखो, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत 500। ये जो हमने गुड्स खरीदा था ना अमृत से 10,000 का, तो इस गुड्स में मान लो कोई 500 का, 10,000 का गुड्स खरीदा, उसमें से कोई 500 का गुड्स होगा वो खराब होगा, तो अब खराब होगा तो वो हम लोग रखेंगे नहीं, वो तो उसको वापस करेंगे। तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि उसको हमने गुड्स वापस कर दिया अमृत को 500 का। तो जब ये 500 का हम लोग गुड्स अमृत से यहाँ पे खरीदा था 10,000 का, अब यहाँ पे 500 का गुड्स उसको वापस देंगे, तो अब यहाँ पे तो ये जो 10,000 का हमने खरीदा था अमृत से, इसमें से तो 500 रुपया घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि खरीदा तो अब हमने 9,500 का ही है, क्योंकि 500 का वापस कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो हमने इंट्री किया है ना, परचेज अकाउंट टू अमृत अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000 का खरीदा लेकिन 500 का बाद में वापस कर दिया, तो एक्चुअल हमने कितने का खरीदा 500 का वापस करने के बाद, 9,500 का। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 10,000 में से ये 500 तो घटेगा ना बाद में, एक्चुअल जितने का खरीदा है उतना दिखाने के लिए। तो इसका इंट्री भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऊपर इंट्री किया है ना, इसको रिवर्स कर देंगे। और या फिर आपको समझा देता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि अब गुड्स रिटर्न किया हमने, अमृत को वापस गुड्स दिया हमने 500 का, तो गुड्स हमने दिया है तो अमृत को क्या हो रहा है, गुड्स मिल रहा है, तो अमृत हो गया रिसीवर, और रिसीवर सब डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे अमृत डेबिट हो गया। और उसके बाद हमने गुड्स क्या किया, गुड्स अमृत को दे दिया, मतलब गुड्स कम इन हो रहा है कि गोज आउट हो रहा है, बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, क्योंकि हमने गुड्स अमृत को दिया, इसीलिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे हम लोग सेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अमृत को गुड्स बेच नहीं रहे, जो सिंपली उससे गुड हमने खरीदा था, परचेज किया था, वो वापस उसको रिटर्न कर रहे हैं कि भाई जो हमने तुमसे गुड्स खरीदा था उसमें 500 का गुड्स खराब निकला, तो ये अपना तुम रिटर्न ले लो गुड्स, तो उसको टू परचेज रिटर्न बोलते हैं, तो उसको रिटर्न कर दिया।
उसके बाद ये देखो, December 16 ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पे देखो, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2,400। अरविंद को हमने गुड्स कितने का बेचा था? अरविंद को हमने गुड्स बेचा था 2,400 का। और यहाँ नीचे क्या बोल रहा है? यहाँ नीचे बोल रहा है ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट। अरविंद ने मतलब हमें हमने बेचा उसको 2,400 का, लेकिन बाद में हमें अरविंद ने 2,300 भी दिया सिर्फ, और उतने में ही फुल सेटलमेंट हो गया। अब हम उससे पैसा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2,400 का बेचा हमने, हमको मिला सिर्फ 2,300, तो बाकी गया 100 रुपया। कहाँ गया? तो वो 100 रुपया आपका हो जाएगा डिस्काउंट। उसको उस 100 रुपये को हम मान लेंगे कि हमने अरविंद को वो 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया, ये मान लेंगे। अगर कभी भी आप मतलब कोई अमाउंट का गुड्स बेच रहे हो और बाद में उससे कम अमाउंट ले रहे हो, वो भी फुल सेटलमेंट के लिए, तो जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा वो उसको हम डिस्काउंट मान लेंगे। मतलब ये मान लेंगे कि उतना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया।